उम्मीद तो सबसे रखा जाता है, इनसे भी उम्मीद वही रखा है। क्या होगा नहीं होगा वो कोई नहीं बता सकता, और वो तो जीतने के बाद ही होगा। पूरे आदमी को नहीं, अपना हम बता सकते हैं, हम तेजस्वी के साथ हैं। जन विश्वास यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव सिवान के टरवा गांव में थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। हालांकि मौसम थोड़ा सा खराब है और इसीलिए कार्यक्रम में थोड़ा सा विलंब हो रहा है, लेकिन आपको बता दें कि इस जनसभा में मुस्लिम समुदाय के लोग भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पहुँचे हुए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं माइनॉरिटी समाज से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और इनसे हम बात कर लेते हैं कि आज ये तेजस्वी यादव की जो सभा में आए हुए हैं क्या कहना चाहेंगे। देखा जा रहा है कि माइनॉरिटी समाज भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया हुआ है। तेजस्वी जी जीतेंगे जी हाँ, और हम लोग डॉक्टर अशरफ अली के तरफ से आए हैं। अच्छा ये बताइए कि सिवान में कहा जाता है कि माइनॉरिटी समाज पे मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के परिवार की अच्छी खासी पकड़ है, आप लोग तेजस्वी यादव जी के साथ हैं या फिर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ? तेजस्वी साहब का साथ, तेजस्वी जी के साथ है। क्यों आखिर, क्या आप उम्मीद क्या रखे हुए हैं तेजस्वी यादव से? उम्मीद रखे हुए हैं कि वो जीत में आएंगे। अच्छा जीत में आएंगे, तो 3 तारीख को पटना में महारैली होने वाली है, क्या उस रैली में भी आप लोग जाएंगे? हाँ इंशाल्लाह रहमान हम लोग जाएंगे। जाएंगे आप लोग है ना? हाँ। क्या चाहते हैं आज जो सभा को संबोधित करेंगे तेजस्वी यादव जी, उन क्या चाहते हैं कि मुस्लिमों के लिए आप लोग क्या चाहते हैं, उनसे क्या खुद उम्मीद रखे हुए? उम्मीद तो सबसे रखा जाता है, इनसे भी उम्मीद वही रखा है। क्या होगा नहीं होगा वो कोई नहीं बता सकता, और वो तो जीतने के बाद ही होगा। अच्छा नीतीश जी से अलग होने के बाद क्या लग रहा है आपको कि तेजस्वी यादव को फायदा होगा या फिर नुकसान होगा, क्योंकि 2024 लोकसभा का चुनाव भी है? फायदा तो नजर आ रहा है कि फायदा होगा इनको। किस तरह का फायदा नजर आ रहा है? नहीं नहीं विकास होगा, जब ये जीतेंगे तो विकास करेंगे। क्या आने वाले समय में 2025 में आप लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं या फिर किसे देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री के तरफ से देखना चाहते हैं। पूरा माइनॉरिटी समाज चाहता है कि चाहता है क्या चाहता है बताइए? चाहता है कि मैंने मुख्यमंत्री वो बन जाए तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री जी। आप अपना नाम बता दीजिए जी। अपना नाम बताइए। अब्दुल जब्बार। कहाँ से आप लोग हैं? सिवान से। चलिए अब्दुल जब्बार जी आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, आप लोग सभा में आए हुए हैं बताइए। भाई है हम लोग, भाई है जो कहे सही कहे। आज आप लोग आए हुए हैं, हमारा कहना ये है कि आप लोग जो सिवान के मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो क्या तेजस्वी यादव के साथ हैं या मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ हैं? पूरे आदमी को नहीं, अपना हम बता सकते हैं, हम तेजस्वी के साथ हैं। तेजस्वी के साथ है, तेजस्वी के साथ। क्यों आप लोग तेजस्वी के साथ हैं, क्या कुछ उनमें आपको दिखाई दे रहा है? उनके ऊपर भरोसा है। किस तरह का भरोसा है, क्या है? ये बदलने वाले नहीं है नीतीश जी जैसा। अच्छा अच्छा बदलने वाले नहीं है? नहीं है। और आज मौसम भी थोड़ा सा खराब हुआ है, आपको क्या लग रहा है कि इसमें भीड़ होगी ज़्यादा? अब ये अंदाजा तो ऊपर वाले बताएंगे। ये हम आ रहे हैं सभा में, पूरी भीड़ है यहाँ पे जी? भीड़ है नहीं। तो आज आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, 3 तारीख को पटना में महारैली होने वाली है तेजस्वी यादव जी की, तो क्या उसमें भी आप लोग मुस्लिम समाज के लोग उसमें भी जाएंगे? मौका मिलेगा तो वहाँ भी है जी, हम जाएंगे आप जाएंगे। तो बिल्कुल आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर माइनॉरिटी समाज के जो लोग हैं उनसे बातचीत हो रही है, और उनका कहना है कि 3 मार्च को पटना में जो रैली होगी तेजस्वी यादव की उसमें भी वो जाएंगे। थोड़ी देर में तेजस्वी यादव यहाँ पे आ रहे हैं, और सामने आप देख सकते हैं कि यही वो मंच है जिस मंच पे आज तेजस्वी यादव आकर के और सभा को संबोधित करेंगे। हालांकि जिस तरीके से इनसे सवाल किए गए हैं कि क्या जो माइनॉरिटी समाज है वो किनके साथ है, तो वो सब कुछ यहाँ पे वो लोग सामने रखे हुए, अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है। बिहार तक के लिए चंदन कुमार सिवा।